कोई यूनिवर्सिटी नहीं आ रही, तो कभी कोई आपका सिलेबस डाउनलोड नहीं हो रहा, तो कभी ऐसा देखा जा रहा है कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो था वो वेबसाइट पे हट गया या डाउनलोड नहीं हो रहा, जो भी कुछ बात है। तो गाइस यहाँ पर मैं बता दूं, सीयूटी फॉर्म फिलिंग के दौरान अगर आपकी यूनिवर्सिटी मिस है, तो आपकी यूनिवर्सिटी मिस आ रही है, तो अभी आपको क्या करना है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो देखिए अगर आपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन बहुत ध्यान से पढ़ा हो, तो वहां पर पेज नंबर 12 पर एक बात क्लियरली मेंशन है कि कैंडिडेट हु विल बी अपीयरिंग सीयूटी यूजी 2024 में पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग या एडमिशन प्रोसेस ऑफ एनी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन इवन दो दे हैव नॉट अप्लाइड फॉर दैट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ सीयूटी यूजी 2024। मतलब अगर ऐसा है कि कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि आप फॉर्म फिलिंग के दौरान फिल नहीं कर पाए हैं, तब भी आप उस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन के एडमिशन प्रोसेस में, काउंसलिंग प्रोसेस में हिस्सा ले सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ये यह भी लिखा हुआ कि यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन में एडमिट एनी कैंडिडेट हु हैज अपीयर्ड फॉर दिस यूटी यूजी 2024 इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट द कैंडिडेट हैज चूजन द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ सीयूटी 2024। मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी किसी भी कैंडिडेट का कैंडिडेचर एक्सेप्ट कर सकती है फॉर द एडमिशन पर्पस, इस फैक्ट को कंसीडर किए बिना कि उसने वो अप्लाई किया है उस यूनिवर्सिटी को फॉर्म फिलिंग के दौरान या नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आई होप कि वो बच्चे जो कि बहुत दिन से बोल रहे थे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी नहीं दिख रही है, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वैसे अब तो दिखने लगी है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी नहीं शो हो रही है, मैंने फॉर्म फिल कर दिया, तो अब क्या होगा। इन केस अगर आप लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया, कुछ भी गलती आपसे हुई है ना, या फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी को नहीं डाल पाए, तो यार यहाँ पर भी एक काम आप कर सकते हैं जो कि मतलब यहाँ पर एक रामबाण साबित होगा, एक ही चीज रामबाण इलाज होगी आपकी, कि जब आपकी आएगी करेक्शन विंडो, ठीक है, करेक्शन विंडो में आपको एनटीए बहुत सीधे सीधे तरीके से बता देता है कि आप अपनी पर्सनल डिटेल, जैसे अपना नाम चेंज नहीं कर सकते, फादर का नाम चेंज नहीं कर सकते, अपने मदर का नाम चेंज नहीं कर सकते, कोई डॉक्यूमेंट में करेक्शन नहीं कर सकते, लेकिन आप करेक्शन कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज में। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप किसी भी यूनिवर्सिटी को ऐड या रिमूव कर सकते हैं, ये करेक्शन विंडो में लिखा होता है बिल्कुल क्लियरली। 2022 में भी था, 2023 में भी था, 2024 में भी रहेगा। ऐड या रिमूव कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी को, और सब्जेक्ट टेस्ट, मतलब जो 61 सब्जेक्ट टेस्ट है, जहां पर 33 लैंग्वेजेस, 27 डोमेन सब्जेक्ट और आपका एक जनरल टेस्ट देखा जाता है, तो कुल मिलाकर इस तरीके से 61 सब्जेक्ट टेस्ट बनते हैं। इनमें से कोई भी सब्जेक्ट टेस्ट आप ऐड या रिमूव कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी करेक्शन है जो कि आपको करने के लिए मिलेगी, एक मौका और मिलेगा यूनिवर्सिटी को ऐड या रिमूव करने का, प्लेसिंग चेंज करने का, सब्जेक्ट टेस्ट को ऐड या रिमूव करने का। हाँ, मैक्सिमम सब्जेक्ट टेस्ट वही 6 रहेंगे जो कि आपसे एनटीए ने बोला है, लेकिन आप कोई भी सब्जेक्ट टेस्ट ऐड या रिमूव कर सकते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। आई होप कि इस वीडियो के जरिए बहुत सारे सवालों का जवाब अब आपको मिल गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है, अब भी स्टिल यू गाइस कैन कमेंट डाउन इन दी वीडियोस कमेंट सेक्शन, आप कमेंट कीजिए नीचे, मैं देखूंगा कि आपके क्या कमेंट है, उन पर वीडियो बनाऊंगा और वहां पर रिप्लाई भी मैं करता हूँ। थैंक यू गाइस।